बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले, सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। It's a pleasure for all of us that the efforts that have been put up by the temple in terms of Swaminarayanserial is now available to us on DVD. Swaminarayan Bhagwan has changed the lives of numerous individuals around the world. Seeing this DVD or the serial and the charitas of Maharaj, the Nan Santos and the Haribhaktos would definitely make a lot of difference in all our lives. I'd like to wish all the best for you to view this DVD. It's especially very helpful to the children to know our culture, tradition and our sampradaya. I wish you many best wishes for all your life, and make this Swaminarayan Sampradaya, Swaminarayan Bhagwan, evolve in our lives, in our hearts.
अरे जो हमारे मन को भाया सो छीन ने चला आया। ए, ये तेरा संदूक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अरे रूडा, इसमें इसमें कितना माल होगा है? क्यों कितना माल होगा बोल ना। सरदार, गायकवाड़ ने पूरे महीने का कर इकट्ठा करवाया है। पूरे महीने का कर है? अरे बिल्कुल सही काम कर रही है तुम्हारी गायकवाड़ सरकार। ये कर लेती है प्रजा से किसके लिए? अरे हमारे लिए तो लेती है, हमारे लिए। क्या अरे तुम्हारा राजा तो प्रजा को लूटता है, लेकिन हम तुम्हारे राजा को लूटते हैं। क्यों साथियों, हिसाब बराबर हो गया ना? अरे रूड़ा, अरे देखता क्या है रे, लूट ले पूरा माल अपना ही अपना। शाबाश रूड़ा। चलो 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 यहाँ से, भागो भागो। चलो चलो जल्दी चलो। भाग गए चूहे। अरे गायकवाड़ भी क्या याद करेगा के पाला पड़ा वो भी जोबन पगी से। ले चलो माल, ले चलो चलो चलो। yeah, क्या बात है। वाह वाह, क्या लंबा हाथ मारा है सरदार, गायकवाड़ की तो नींद हराम हो जाएगी। इन दिनों तो हमारी चांदी ही चांदी है। पहले रामपुर गांव लूटा, फिर वो बनिए की बारात। हाँ, सबसे ज्यादा माल तो वो सूरत वाले व्यापारी को लूटा था ना, तब मिला था। सही में चांदी ही चांदी है। नहीं भाई, सिर्फ चांदी नहीं, हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ है। सरदार, आप चुप क्यों हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? खुश तो हूं, लेकिन इतना नहीं। कब तक ये छोटी मोटी लूट मार करते फिरेंगे? हाँ, कब तक? माना कि हमारी आन पूरे वड़ताल में है, लेकिन हमें उसे पूरे भारतवर्ष में फैलानी है। वो तो सच ही है, पूरे देश की आबादी कलकत्ता में जा बसी। अरे मैं चाहूं ना तो पूरा कलकत्ता लूट कर ले आऊं। बस मुझे एक घोड़ा मिल जाए जो पलक झपकते ही कलकत्ता से मुझे वड़ताल पहुंचा दे। हाँ, ऐसा घोड़ा मिलना असंभव है। नहीं सरदार, है एक घोड़ा नहीं पर घोड़ी। हाँ, घोड़ी कहाँ है? दभाण में स्वामीनारायण का यज्ञ चल रहा है, वहां स्वामीनारायण के पास एक घोड़ी है, माणकी।
वो चले तो धरती कदम चूमे, पहाड़ नदियां रुमझुम झूमे, शक्ति अपार जैसे तेज कटार, झरने की धार बसंत बहार, अंधारी रात ना सूना आकाश मा तेज लिसोटा ताणती, विजरीने पण शर्मावती, एवी स्वामी नारायण ने माणकी 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 तेरा स्थान सिर्फ यहां है, सिर्फ यहां, और कल से दुनिया की जबान पे सिर्फ दो नाम होंगे, चोपन पगी और उसकी माणकी। हाँ। पर सरदार इतना आसान नहीं है माणकी को लाना, स्वामी नारायण के साथ हजारों लोग हैं, आप उनसे कुछ भी छीन के नहीं ला सकते। सोच लिया है मैंने, मैं उसे चुरा के लाऊंगा। हाँ। चुरा कर? माफ करना सरदार, चुराना भी आसान नहीं है, वहां हजारों सत्संगी हैं यज्ञ में, सौ की संख्या में पार्षद भी हैं, नाजा जोगिया जैसा रखवाला है घुड़ार का। रूडा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तूने इतने साल मेरे साथ निकाले, लेकिन तूने ये भी नहीं जाना कि जो बन पगी बलवान ही नहीं बुद्धिमान भी। हम अवश्य इसका कोई उपाय करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण प्रभु श्री। आइए आइए सेठ जी। जय श्री स्वामीनारायण। कहिए, पुत्र का विवाह संपन्न हो गया? हाँ, सो तो होना ही था प्रभु श्री। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं, चुप क्यों हैं आप? विवाह तो हो गया प्रभु श्री, पर गजब हुआ, जान कन्या के मंडप तक पहुंचे उसके पहले वो जोबन पगी आया और उसने सारी जान लूट ली। जोबन पगी? नाम तो सुना हुआ लगता है। वो राक्षस है राक्षस प्रभु श्री, डर के मारे कोई उसको देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो हाथ काट डालता है, और ना देने के लिए सामना करते हैं तो उसका सर काट डालता है, पानी की तरह लहू बहाता है प्रभु श्री। वर्ताल का है, वर्ताल में ना कोई अपनी बेटी देता है और ना कोई लेता है। उस शैतान ने मनुष्य को नहीं संबंधों को भी मार डाला है। वर्ताल और उसके आसपास का विस्तार शमशान घाट हो गया है प्रभु श्री, शमशान घाट हो गया है। और दुख की बात तो ये है प्रभु श्री कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं। गायकवाड़ सरकार भी नहीं प्रभु श्री, गायकवाड़ सरकार भी नहीं, गायकवाड़ सरकार की तिजोरी भी लूट ली है अभी अभी। हम कहां जाएं प्रभु श्री और किसके सामने गिड़गिड़ाएं प्रभु श्री? हम सबको उससे छुड़वाएं, उसका जीवन ही हमारा मृत्यु है और उसकी मृत्यु ही हमारा जीवन है। हम सब शांति से जीना चाहते हैं, सलामती से जीना चाहते हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु श्री, ऐसा कीजिए कि वो मर जाए, उसे मार डालिए प्रभु श्री, उसे मार डालिए। उसको मारना भी तो हिंसा ही होगी ना, पाप ही होगा ना प्रभु श्री? और कभी पापी को नहीं पाप को मारना चाहिए, ना रहेगा पाप और ना रहेगा पापी। अर्थात आप कुछ नहीं करेंगे इस धरती पर का और हमारे पर का ये जीवलेन बोझ कभी कम नहीं होगा प्रभु श्री? होगा सेठ, अवश्य होगा, ये काम आने वाला समय करेगा। हम सब मिलकर एक काम करते हैं, मिलकर शांति यज्ञ करते हैं, भजन पूजा प्रार्थना करते हैं। आप सब भरोसा रखें,
इसका अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। धीरज रखें। ओम शांति शांति स्वाहा, 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 ओम शांति शांति। भक्तों, मनुष्य हमेशा एक भूल करता आया है, वो पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करता है ईश्वर से कुछ पाने के लिए। वो समझता है उसकी मनचाही इच्छा पूरी होने में ही उसका भला है, उसका कल्याण है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो समझता है ईश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, ईश्वर उसका भला नहीं चाहता। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य ये कभी नहीं जानता है कि उसका भला किसमें है, कहां है, ये तो केवल ईश्वर ही जानता है। और इसलिए वो मनुष्य को वही देता है जिसमें उसका भला हो, जिसमें उसका कल्याण हो। मनुष्य को चाहिए कि वो धीरज रखे, ईश्वर में विश्वास रखे, शांति रखे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। प्रभु के चरण छू के प्रणाम करना चाहता हूं। अरे भाई, देख रहे हो ये यज्ञ की इतनी भीड़, यज्ञ की इतनी भीड़ में उनके चरण तो क्या, नजदीक से दर्शन भी कर पाओ तो खुद को भाग्यशाली समझना। कोशिश करता हूं, देखता हूं कहां तक पहुंच पाता हूं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। शांति यज्ञ का आयोजन इसीलिए किया गया है कि अशांत मन भी शांत हो और चारों ओर शांति फैले। ओ शांति। ओ जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अरे भाई साहब, आप बता सकते हैं वो घुड़ार कहाँ है? पर आपको घुड़ार का क्या काम है? बस वो भगवान स्वामीनारायण की पावन घोड़ी है ना, माणकी। हाँ हाँ। उसके दर्शन करने। अच्छा, घुड़ार तो इस तरफ है। अच्छा, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। यहाँ पर तो कई सारी घोड़ियां हैं, न जाने इसमें माणकी कौन सी होगी। ये रखवाले के साथ भी बल नहीं, युक्ति से ही काम लेना होगा। बापू। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये करने दीजिए, मुझे ये करने दीजिए। अरे भाई,
आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ और स्वामी जी के दर्शन करना चाहता था, लेकिन इतनी सारी भीड़ में मुझ जैसे अभागे को कौन देखेगा। सोचा आप भी प्रभु के भक्त हैं, आप ही के दर्शन कर लूं, शायद पावन हो जाऊं। किंतु मेरी एक इच्छा और है, जिस पर प्रभु विराजमान होते हैं वो पावन घोड़ी माणकी, उसके भी दर्शन हो जाए। अरे भाई, आप तो मुझसे भी बड़े भक्त हैं स्वामी नारायण जी के। जी, आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ माणकी के दर्शन के लिए? इतना ही नहीं, ये नाजा जोगिया खुद को धन्य समझेगा आपको उसके दर्शन कराकर। जाइए जी। किंतु बापू, इन सब में माणकी कौन सी है? माणकी कौन सी है? आइए जी। ये रही माणकी। तेज घोड़ी लगती है। वाह, अरे भाई। हाँ, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, बस अपने मन को मनाने पर मजबूर कर रहा हूं कि ये सच है या सपना। अजीब से सत्संगी हो भाई। अब तुझे इस घुड़ार में रहना नहीं पड़ेगा। कल सुबह होने से पहले मैं तुझ पर सवारी करूंगा और तुझे यहां से अपने साथ ले जाऊंगा।
सो रहा है। राजा तेरी तकदीर अच्छी है जो तू सो रहा है। अगर तू जाग जाता तो मैं तेरा काम तमाम कर देता। जो मुझे पसंद आया सो छीन ने चलाया। चलना चाहिए। जो मुझे पसंद आया सो छीन ने चलाया।
ठहरो, तुम नहीं जा सकते। इन्हें आने दीजिए हमारे पास। नहीं प्रभु, आप नहीं जानते, ये खुखार डाकुर जोबन पगी है। तो क्या हुआ, वो हमसे मिलने आए हैं। प्रभु, ये आप पर वार कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। नहीं प्रभु। नहीं दरबार, ये वो जोबन पगी नहीं है जिन्हें आप जानते थे, इन्हें आने दीजिए। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना इतना पवित्र स्थान जहां पर गुनाह छूटते हैं, वहां मैं गुनाह करने आया। मुझ जैसे मलिन और पापी को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप तो अधर्म उद्धारक हैं, इस अधर्मी का उद्धार कीजिए प्रभु। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु। जोबन पगी जी, प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, तुम्हारी।
दर तेरा छोड़ के किधर मैं जाऊंगा, दर तेरा छोड़ के किधर मैं जाऊंगा, ठुकराया आपने तो यूं ही मर जाऊंगा, ठुकराया आपने तो यूं ही मर जाऊंगा। रक्षा करो हमारी ओ मेरे मुरारी, रक्षा करो हमारी ओ मेरे मुरारी, श्री जी महाराज चाहूं शरण तुम्हारी, श्री जी महाराज चाहूं शरण तुम्हारी। सुन लो प्रभु जी मेरे अरज हमारी, सुन लो प्रभु जी मेरे अरज हमारी, श्री जी महाराज चाहूं शरण तुम्हारी, श्री जी महाराज चाहूं शरण तुम्हारी। जय स्वामीनारायण। प्रभु श्री, आप किसी की राह देख रहे हैं? दातून की। दातून की? हाँ, सवेरे सवेरे दातून तो करना ही चाहिए ना, बगैर दांत साफ के तो दिन का प्रारंभ ही नहीं होता है ना। तो लगता है सभी इसी की राह देख रहे हैं। हाँ मुक्तानंद जी। पर प्रभु श्री, दातून अपने आप तो आने से रहे। वो किसी को भेज दिया है मैंने। किसी को? अर्थात वो नए सत्संगी जुबन पगी को? हाँ, बस आते ही होंगे। किंतु एक बात बताइए प्रभु श्री, आपने जुबन पगी को काम सौंपा है या उसकी कसौटी की है? दोनों ही हो जाएंगे मुक्तानंद जी। जय स्वामी नारायण। वाह, नीम के दातुन। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है नीम का दातुन। जोबन पगी, सबको काट के दे दो। कहां से लाए हो जोबन पगी? जी गांव से। किसी से मांग के लाए हो? जी नहीं, वो पेड़ पर देखा सो काट लिया। पेड़ से काटने से पहले पेड़ के मालिक से पूछा था या नहीं? जी नहीं, वो पूछा तो नहीं था प्रभु जी। ये तुमने अच्छा नहीं किया जोबन पगी, पूछ लेना चाहिए था। इस तरह बिना पूछे कोई भी चीज लाना तो चोरी हुई। हाँ, भूल हो गई प्रभु जी। तो अपनी भूल का सुधार करो। वो कैसे प्रभु जी? ये ले जाओ और जिस पेड़ से इसे काट के लाए हो उसके मालिक से जाके क्षमा मांगो, उनसे अनुमति लो और ले आओ। जी, जो आज्ञा प्रभु जी। जी, किंतु प्रभु जी,
क्षमा और अनुमति ना मिली तो? तो कहीं और से ले आना चवन पगी जी। हम सब तुम्हारी राह देखेंगे। जी प्रभु जी, जो आज्ञा। लो प्रभु, काम तो शुरू हुआ नहीं किंतु जोबन पग्गी की कसौटी शुरू हो गई। हाँ मैं तो वही बोल रहा था। अरे सुनो भाई। अरे वो देखो जोबन पग्गी। चलो 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 चलो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था जो हम लोगों ने पेड़ काटे हैं उसमें आज। अरे सुनो भैया। अरे वो देखो जोबन पगी। भागो चलो चलो भागो। सुनो भाई। जी मेरे पास कुछ नहीं है, ये ले जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो नीम का पेड़ किसका है। जी वो नीम का है। उस नीम के पेड़ का मालिक कौन है? जी पटेल का है। उस पटेल का घर कहाँ है भाई? जी उसका घर उधर है। जय स्वामीनारायण। जय जय स्वामीनारायण। अरे भाई कोई है? मैं पूछता हूं घर में कोई है? कौन है भाई, कौन है? जय स्वामीनारायण। जय जय स्वामीनारायण। पटेल मैं तो आपसे माफी मांगने आया था, आपको पूछे बगैर मैंने आपके पेड़ से ये नीम के दातुन काट लिए थे, मुझे माफ कर दीजिए। जी जी ठीक है। और हाँ अगर आप रजा दें तो ये दातुन में ले जाओ। पूरा झाड़ उठा के ले जाओ, पूरा झाड़ उठा के ले जाओ, पूरा झाड़ उठा के ले जाओ। जय स्वामीनारायण। जोबन पगी तुमने मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु क्रोध को अपने वश में कर लिया है। लालच का समंदर तुम पार कर गए हो। अच्छा ये बताओ इसके बदले में तुमने क्या पाया है? प्रभु जी मेरा शांत मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अच्छा वो कैसे जोबन पगी? प्रभु जी मैंने अपना घर तो कभी बसाया नहीं लेकिन लोगों का घर जरूर उजाड़ा है। कभी किसी को एक निवाला खिलाया नहीं लेकिन लोगों के निवाले जरूर छीने मैंने। मैं खुद जीवित रहना चाहता था इसीलिए लोगों को मार डालता था, क्रूरता से काट देता था। कभी एक बूंद भी पानी नहीं पिलाया किसी को लेकिन लोगों का खून जरूर चूसा है मैंने। सबको डराता था मौत से किंतु अपने मन में मैं खुद मौत से डरा हुआ था प्रभु, डरा हुआ था। प्रभु जी मैं जब माणकी चुराने आया ना तो उसके पीछे जरूर कुछ शुभ संकेत होगा, शायद ये आप ही का बुलावा होगा। हाँ लेकिन अब जब से मैंने ये हिंसा का मार्ग छोड़ा है ना प्रभु,
मन से मृत्यु का भय निकल गया। अभय अभय हो गया हूं मैं, अभय। और अब क्या पाना चाहते हो? क्या देह है तुम्हारे जीवन का जोबन पगी? प्रायश्चित की आग में अपने पापों की आग को बुझाना चाहता हूं प्रभु जी। लोगों के कड़वे शब्द, अपमान, यही मेरे पापों का दंड है प्रभु जी। और ये दंड यही मेरा प्रायश्चित है प्रभु जी। प्रायश्चित की आग बुझते ही साथ साथ मेरे पापों की आग भी बुझ जाएगी और मेरी प्राप्ति तो आप हैं प्रभु जी, आप स्वयं प्रभु। आप इस शैतान को भगवान मिल गया प्रभु जी, इससे अधिक और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं प्रभु जी, मैं कहा करता था कि जो मुझे पसंद आया सो छीनने चला आया, किंतु अब कहता हूं कि आपकी शरण आया तो इस पापी ने नया जीवन पाया। नया जीवन पाया प्रभु। अब्बा, आपको क्या हो गया है? आप क्यों यूं गुमसुम से बैठे हुए हो? बेटी नगमा, एक महीने के बाद तू अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद मैं और तेरी अम्मा, हम दोनों बिल्कुल अकेले ही रह जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं आपको और अम्मी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटे, नहीं। बेटियां तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। और फिर हर लड़की को अपने ससुराल में तो जाना ही पड़ता है ना। नगमा के अब्बू, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। एक महीने के बाद बेटी का निकाह है, कैसे करेंगे, पैसे कहां से लाएंगे? भरोसा करो नगमा की अम्मा, खुदा पर भरोसा करो। वो अपने बंदे को खर्चे में डालता है तो पैसों का बंदोबस्त भी वही करवाता है। सो तो है, पर शादी की तैयारियां तो हमें ही करनी पड़ेंगी ना। नगमा और दूल्हे के लिए कपड़े, गहने और दावत के लिए अन्न भी। ठीक है, मैं दुकानदारों से जाकर मिलता हूँ, कपड़े वाले से, गहने वाले से और किरियाने वाले से जाकर बात करता। अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। सलाम अलैकुम सेठ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुलेमान, कहो क्या बात है? मुझको पता था कि आप दोनों यहीं पर मिल जाओगे। हाँ, हम रोज दर्शन करने आते ही हैं सुलेमान। कहो सुलेमान, क्या बात है? महीने के बाद मेरी बेटी नगमा की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ सेठ, दूल्हा दुल्हन के लिए आपसे कुछ कपड़े और आपसे थोड़ा सा अन्न चाहिए, और फिर मेहमानों का मुंह भी तो मीठा करवाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा धंधा है। पर इसके पैसे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मैं चुका दूंगा। कैसे चुका पाओगे सुलेमान? तुम्हारा कोई धंधा है क्या? कोई नौकरी वोकरी करता है क्या? तू तो ठहरा चौकीदार, रखवाली करना तेरा काम है। हाँ सेठ, रात भर कोई रुकता है तो उसके जान माल की रखवाली करता हूँ और उसके बदले में पूरा 1 रुपया लेता हूँ। तो तू ही बता सुलेमान, कैसे चुका पाएगा ये पैसे? कब चुकाएगा हमारे पैसे? 1-1 रुपए में तू अपनी घर गृहस्थी क्या संभालेगा और क्या हमको दे पाएगा?
तू हमसे खैरात चाहता है? नहीं नहीं सेठ, खुदा का सच्चा बंदा खैरात पर नहीं जीता। बुरा मत मान सुलेमान, पहचान अपनी जगह होती है और धंधा अपनी जगह। इस तरह की उधारी के धंधे में ना पैसे आते हैं ना पहचान रहती है। तू पैसे लेकर आना और जो चाहे माल लेकर जाना, हम तुझसे मुनाफा नहीं लेंगे, पड़तर भाव में दे देंगे। नहीं सेठ, मेरा खुदा ये हरगिज नहीं चाहेगा कि आप लोगों को धंधे में नुकसान हो। सुना है आज साधु संतों की टोली आई है, मैं उनसे जाकर मिलूंगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी तरह मुझे काम मिलता रहेगा और मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबने भोजन किया? किया ना? सब स्वामी नारायण का नाम लेकर आप सब सो जाओ, आराम से, जल्दी उठना है, आरती पूजा पाठ करना है। अस्सलाम वालेकुम। जय स्वामी नारायण। आप लोगों में मुख्य कौन है? क्यों भाई, क्या काम है उनसे? मैं उनसे सलाम दुआ करना चाहता हूँ। अरे भाई कौन हो तुम? मेरा नाम सुलेमान है, मैं सीमा की रखवाली करता हूँ। यहाँ डेरा तंबू तानने वालों के जानो माल की हिफाजत करता हूँ। बस बदले में 1 रुपया आपको मुझे देना पड़ेगा, वो भी सवेरे। सारी रात हिफाजत करूंगा मैं। अरे भाई हम साधु संतों के पास ऐसी क्या चीज होती है जो कोई चोर लुटेरा ले जाएगा? ये भगवे वस्त्र, ये प्रभु की माला, कोई क्या ले जाएगा? आप लोग इस तरफ नए साधु महाराज लगते हो, यहाँ के चोर और डकैतों को आप नहीं जानते। उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो वो लोगों की जान तक ले लेते हैं। अच्छा, तो तुम हमारी रखवाली करोगे? सिर्फ 1 रुपए में, ना उससे 1 पैसा ज्यादा लूंगा और ना ही 1 पैसा कम। क्या आपकी जानो माल की कीमत 1 रुपया भी नहीं? और मैं 1 रुपए के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता हूँ, ये मेरी वफादारी की कीमत है। ठीक है भाई, रुपया तुम्हें मिल जाएगा। चलिए अब आप लोग भी चलकर आराम कीजिए। जय स्वामी नारायण। बड़ी किस्मत वाला हूं मैं, खुद खुदा की हिफाजत करने का काम मिला है मुझको। सब तो स्वामी नारायण जी सही कह रहे हैं आप। सब तो स्वामी नारायण जी की कृपा है। तो ऐसे ही अगर वो करते रहेंगे तो जय स्वामी नारायण।
सुलेमान जी, आपके चेहरे पर खुदा का नूर है। आपके कदमों के निशान ये बता रहे हैं कि आप मेरे खुदा हैं। आप मेरे घर पधारे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। तुम्हारा निमंत्रण पाया, इससे अधिक मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए भाई। पर मुझे क्षमा करना, समय मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। हमें तो विजयपुर पहुंचना है, कुछ और मांग लो भाई। ठीक है मेरे अल्लाह, आप मुझे इस वस्त्र पर अपने कदमों के निशान देने की मेहर करें। क्या उठा लाए आप? मामूली इंसान के नहीं है, परवरदिगार थे वो, उनके कदमों के निशान हैं। अब देखना, अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। हमारी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ नगमा के अब्बा, पर कैसे? हम बगैर पैसे के कैसे ब्याह कर सकते हैं? सुलेमान, अरे सेठ जी, आप बेटी की शादी है ना, कपड़े चाहिए थे ना, और अनाज भी, सारा सामान बैलगाड़ियों में लादा हुआ है, ले लो। और कुछ कम पड़े तो बिना झिझक मंगवा लेना। पर सेठ जी, आप तो जानते हैं फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे हमने कहाँ मांगे हैं सुलेमान? गांव की हर बहन बेटी हमारे लिए भी तो बेटी बहन के समान है, और कोई अपनी बेटी बहन से पैसे थोड़े ही ना मांगता है। सो तो है सेठ जी, लेकिन कल आपने, कल की बात और थी सुलेमान। कल हम हमारा धंधा निभा रहे थे पर धर्म भूल गए थे। कल भगवान श्री स्वामी नारायण ने हमको सपने में दर्शन दिए और आदेश दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे दें, और हम उनके आदेश का पालन करने चले आए। सेठ जी, आपका ये एहसान, इसमें एहसान वैसान कुछ नहीं है मेरे भाई, ये तो सब प्रभु श्री स्वामी नारायण की लीला है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। या अल्लाह, जय स्वामीनारायण। फरिश्ता आया था और दिल में समा के चला गया। एक फरिश्ता आया था और दिल में समा के चला गया। वो खुदा की शान हस्ती जाते जाते दिखा गया। वो खुदा की शान हस्ती जाते जाते दिखा गया। दिखा गया, दिखा गया, शान हस्ती दिखा गया। दिखा गया, दिखा गया, शान हस्ती दिखा गया। हम बंदों को जीने का फन बंदा परवर सिखा गया। हम बंदों को जीने का फन बंदा परवर सिखा गया।
एक फरिश्ता आया था और दिल में समा के चला गया। मुस्लिम का ना वो सिख ईसाई का, हर इंसान है उसको बराबर मददगार हर भाई का। ना हिंदू का ना मुस्लिम का ना वो सिख ईसाई का, हर इंसान है उसको बराबर मददगार हर भाई का। राम रहीम का फर्क यहाँ पर बस आदमी करता है, ने समझा वो ही इंसान सच्चा है। मेरे ख्वाबों के आंगन में गुल ही गुल वो खिला गया। मेरे ख्वाबों आंगन में गुल ही गुल वो खिला गया गुल ही गुल वो खिला गया। एक फरिश्ता आया था और दिल में समा के चला गया। उसकी चर्चा गली गली, वो जिसके हो जाए रूबरू पल में खिला दे दिल की कली। वो गरीबों का मसीहा उसकी चर्चा गली गली, वो जिसके हो जाए रूबरू पल में खिला दे दिल की कली। जिसके पाँव के नूर के आगे महताब भी बुझा बुझा, वो सबका है सब है उसके नजरों में उसकी दुआ दुआ। दुआ है सब की दुआ है, दुआ है सब की दुआ है। मिटा गया रंजो गम को मिटा गया रंजो गम को मिटा गया। अपने पाँव की धूल से बिगड़ा नसीब मेरा बना गया। अपने पाँव की धूल से बिगड़ा नसीब मेरा बना गया नसीब मेरा बना गया नसीब मेरा बना गया। वो खुदा की शान हस्ती जाते जाते दिखा गया। वो खुदा की शान हस्ती जाते जाते दिखा गया।
अरे बहन, हम ये दुखड़ा किसके आगे गाएं? ये पीपल, ये तुलसी और ये कुआ इतने पास पास हैं कि हम ठीक से परिक्रमा ही नहीं कर सकते, ना तुलसी की ना पीपल की। अरे सही कहती हो बहन, हम ठीक से पानी भी नहीं भर सकते। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये वजीबा है, चलो इनसे पूछते हैं। हाँ, चलो, हाँ, चलो, हाँ, पूछते हाँ, हैं। चलो पूछे पूछते तो हैं। सही। हाँ, हाँ। वजीबा, मुझे कुछ कहना चाहती हो? हाँ वजीबा, ये पीपल, ये तुलसी और ये कुआ थोड़ा दूर दूर करवा दो ताकि विजापुर की स्त्रियाँ ठीक से पूजा कर सके। अरे उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं करना चाहती हो तो ना कह दो, और क्या, नहीं तो आप चाहो तो सब कर सकती हो। कैसे? आप तो भगवान स्वामीनारायण की पुजारण हो, सुना है वो तो बड़ी चमत्कारी है, उनसे कहो हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्यों नहीं, उनसे कहो, कहो तो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर कहूंगी। हे प्रभु, मेरी बात जरूर सुनना प्रभु। प्रभु श्री, मैं तो आपकी सीधी साधी भक्त हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन विजयपुर गांव की औरतों को अवश्य कठिनाइयां है, ना तो वो ठीक से पूजा कर सकती है, ना तो परिक्रमा कर सकती है, ना तो ढंग से पानी भर सकती है। अभी आप ही बताइए प्रभु, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपकी पुजारिन हूं, ये सब मेरी ठटा करती है। प्रभु ये टटा आप ही बताइए, मुझे लगती है आपको, आप ही कुछ करिए प्रभु, जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। थक गए हो ब्रह्मचारी? थक तो गया हूँ प्रभु श्री। भूख भी लगी होगी? वो भी लगी है। एक काम करते हैं, यहाँ विजापुर गांव में हमारी एक भक्त रहती हैं, वजीबा, उनके घर चलते हैं। जैसा आप कहें प्रभु श्री। उनके घर तो चलते ही हैं, पर वहां उनकी परीक्षा भी लेनी होगी। वजीबा तेज हैं, भक्त तो सच्ची हैं, पर स्वभाव में मिर्ची की तरह तीखी हैं। तो क्या प्रभु श्री उनके मुंह से अपशब्द सुनने जाना है? ब्रह्मचारी कभी कभी भक्त की गाली भी मीठी लगती है, चलो आज सुनी लेते हैं। जैसा आप ठीक समझे, पर इसके लिए वेश परिवर्तन करना होगा। प्रभु श्री, शाम दे ही। आई बाबा आई, ए देती हूँ बाबा देती हूँ, घोड़े पे चढ़ के आए हो क्या? शाम दे ही, ये तो घोड़े पे सवार हो गया। आती हूँ बाबा आती हूँ। जय अवध कुमार की। जय जगन्नाथ की। जय अवध कुमार की। आई बाबा आई। लो बाबा जी। हैं? आइए क्या करते हो, आटा लेने आए तो लो वर्ता, चलते बनो, मुझे बहुत काम है। अरे मुंह क्या ताक रहे हो, लेना है तो लो वरना चलते बनो। हम जोगी हैं, इस आटे का हम क्या करेंगे भाई, कुछ तैयार भोजन लाइए। तैयार भोजन नहीं है, लेना है तो लो वरना चले जाओ। कैसी है माई, आटे का हम क्या करेंगे, क्या वटिया बनाएंगे?
ठीक ही तो कहते हैं गुरुजी। अरे गुरु के चेले, आटा नहीं लेना है तो साधु क्यों बने? तैयार भोजन करना था तो साधु नहीं बनना था? आटा बांध कर रोटियां बनाने में क्या हड्डियां टूटती है? कुछ भी कहो बा, पर तैयार भोजन लेके आओ। बुद्धि के ब्रह्मचारी हो तुम, बाटियां बनानी मुझे नहीं आती। चाहिए तो आटा लो वरना चलते बनो। देखो बच, है तो स्वामीनारायण के सत्संगी और भक्त, पर मिर्ची की तरह तीखी। ठीक कहा गुरुजी। और कहते हैं कि स्वामीनारायण वाले तो बड़े दयालु होते हैं। कुछ स्वामीनारायण भगवान बड़े दयालु हैं। अरे बा, बार बार में निकल जाओ कहकर लगाते हैं ऐसे। खैर माई, अब बहुत भूख लगी है, अब कुछ खाने के लिए जरूर ले आओ। अरे बाबा, कितनी बार बोलूं कि घर में तैयार भोजन कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो बा? तुम्हारे घर के अंदर एक डिब्बा है और इसमें पूरे 18 लड्डू हैं। इसे कैसे पता चला कि मेरे घर में लड्डू है? नक्की जादू टोना जानता है। ए अघोरी, वो तेरे लिए नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद के लिए है। ठहरिए, मैं अंदर जाकर लेके आती हूँ। ये जान नहीं छोड़ेगा। ये कैसा साधु है? ये लाओ, वो लाओ, लड्डू लाओ। इसे कैसे पता चल गया कि लड्डू है? ओ माँ, माँ। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, 16, 18, पूरे 18 है। नक्की है जादू टोना जानता होगा, वरना इसे कैसे पता चला? चलो, मांग मांग के लड्डू ही तो मांगा है ने, खाने का ही मांगा है ने, दे देती हूँ। भले खा के उसका जी ठंडा हो जाए, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान मेरी लाज रखना। भिक्षाम दे। हाँ देती हूँ, लो। जय जगन्नाथ। लो देखो, है ना लड्डू? तुम ना कहती थी भाई। हाँ ना कहती थी, है लड्डू, अभी खा लो। अरे नसीब में होगा इसीलिए मिला, वरना मैंने तो मेरे ठाकुर जी के लिए बनवाया था। उसमें क्या है माई, तुम हमें ही अपना भगवान मान लो। हाँ हाँ मान लो। अरे चुप, लड्डू दिया तो बोले भगवान मान लो, समझते क्या हो अपने आप को? हाँ खाओ लड्डू और चलते बनो। जोगीनाथ की जय हो भाई, थोड़ा पानी तो लाना। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हो? आप लोगों को कुछ समझ पड़ता है कि नहीं? जाओ तुम्हारे घर पे। नहीं, ये स्वामीनारायण की सच्ची भक्त नहीं हो सकती, वरना इतनी कठोर क्यों बनी रहती? अरे भाई, हमारे जैसे साधु सबके घर पे नहीं जाते, तेरे घर पे आए हैं तो हमें ही अपना भगवान मान लो। बोले हमें ही अपना भगवान मान लो,
तुम्हारे जैसे तो हजारों साधु हमारे घर पे आते हैं। आते होंगे पर हमारे जैसे नहीं। अब तो यहाँ पर रुक ही जाते हैं। क्यों? जैसा आप कहें गुरुजी। तो ठीक है, यहीं पर सो जाते हैं। बजवा, हमारे लिए खटिया लाइए। खटिया लाइए, जैसे महाराज को खटिया पर सोना है। खटिया पर सोना है तो साधु क्यों बने? सोना है तो यहाँ आंगन में सो जाओ। खटिया बटिया कुछ मिलने वाला नहीं है और मेरे पास खटिया है ही नहीं। स्वामी नारायण की भक्त होकर फिर से झूठ बोली। खाट है तेरे घर में, अंदर की ओर रखी है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो क्या, वो तेरे लिए थोड़ी रखी है, वो तो मेरे प्रभु स्वामीनारायण के लिए रखी है। वो जब यहाँ आएंगे ने तभी प्रभु को भेंट धरूंगी। मेरे स्वामीनारायण के लिए है, तेरे लिए नहीं है, समझा? तो हमें ही अपना भगवान मान लो और खाट पर सोने दो। भगवान मान लू, खाट पे सोने दू, जाने दो। मांग मांग के खटिया पे सोने के लिए तो बोलता है ने, जरूर इसमें कोई बात है, कुछ तो बात है तो साधु ही। क्या पता, इसको देख के कोई अजीब सा महसूस होता है, पता नहीं क्या होता है, जाने दो। मांगता तो खाटी है ने, सोने दो। ठीक है बाबा, सो जाइए। भगवान स्वामी नारायण तुम्हारा कल्याण करे। देखू तो सही, बाबा लोग है या चले गए? हे भाई, जय स्वामी नारायण। खटिया लेके भाग तो नहीं गए ने? प्रभु, हे प्रभु, स्वामीनारायण, ये भूत है या प्रेत? स्वामीनारायण, 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 स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण।
कैसे हो गया? अरे पीपल का पेड़ भी तोड़ दिया है कुएं से, अब तो हम परिक्रमा भी कर पाएंगे। हाँ, पानी भी ठीक से भर पाएंगे। चमत्कार है। ये कैसे हो गया? चमत्कार है। कितना बड़ा चमत्कार। हाँ, देखो ये देखो। ए मारू घर जो जो रे गोविंदा, जमुना जड़ भरवा जाऊं। मारू घर क्या हुआ? क्या देख रही हो सब? हाँ देखो, चमत्कार हो गया। ये कुआ, अरे ये चमत्कार किसने किया? ये चमत्कार कैसे हुआ? वजीबा, मैं कहती थी ना, भगवान स्वामीनारायण बड़े चमत्कारी है। उन्होंने आपकी बात अवश्य मान ली होगी, आपकी प्रार्थना सुन ली होगी, वरना कोई मनुष्य का काम नहीं है। प्रभु से स्वयं प्रभु जी थे, अपने हाथों से ये किया। हाँ, वो प्रभु जी ही थे और मैं अभगन उसे जान न सकी। वो बाबा के रूप में आए, मैंने उसको गाली दी, बार बार चले जाने को कहा, उसका तिरस्कार किया। ये तो शुक्र है मैंने खाना खिला के आपको सुला दिया। आप रात भर यहाँ रहे, सबकी भलाई करके चले गए। जय स्वामीनारायण। Thank you.
धर्म का प्रवचन तो सबको सही राह दिखाता है, पर उस राह पर चलना तो मनुष्य को ही होता है। प्रवचन ये तो बता सकता है कि उसका फल कैसा होगा, परंतु उस फल का स्वाद, उस फल के स्वाद का अनुभव नहीं करा सकता। प्रभु, डांगरवासी वेणीदास पटेल और जतनबा पधारे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु श्री। जय स्वामीनारायण जी। कहिए प्रभु जी, आप हमारे घर को पावन करें, आप हमारे घर का प्रसाद ग्रहण करोगे, बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ जतनबा, हम अवश्य आएंगे, पर ये तो बताइए आप प्रसाद में हमें क्या खिलाएंगी? प्रभु श्री, हमारे घर में घी दूध का भंडार है, हम आपको दूध पाक का प्रसाद जितना जी चाहे उतना खिलाएंगे। हाँ प्रभु श्री, पर वेणीदासी हम अकेले कहीं नहीं जाते, हमारे साथ ये साधु संत और कुछ पार्षद भी आएंगे। प्रभु श्री, आप अपने साथ जितने भी संतों और पार्षदों को लाना चाहते हैं ला सकते हैं। पर जतनबा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप दूधपाक का प्रसाद कम बनाए और इन साधु संतों को प्रसाद मिल ही ना पाए, ये बेचारे भूखे रह जाएं। हम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बनाएंगे, और वो प्रसाद आप अपने हाथों से परोसना, वो भी जितना जी चाहे उतना, और वो भी जिस तरीके से आप परोसना चाहते हैं वैसे। लेकिन एक शर्त है, अगर वो प्रसाद खत्म हो गया तो आपकी जीत होगी, और अगर वो प्रसाद खत्म नहीं हुआ तो हमारी जीत होगी। ठीक है, हम अवश्य आएंगे, हमें आपकी शर्त मंजूर है। यदि हम हार गए तो जो भी शिक्षा आप हमें देंगी हमें स्वीकार होगी, और यदि आप हार गई तो जो भी शिक्षा आपको हम देंगे वो आपको स्वीकार करनी होगी। ठीक है प्रभु श्री, जय स्वामीनारायण। अरे जतनबा, आपने श्रीजी महाराज से यह कहा कि आप दूधपाक का प्रसाद खत्म नहीं कर सकते? अरे जब इतने सारे साधु संत और पार्षद जमा होंगे तो दूधपाक तो यूं खत्म कर जाएंगे। अरे खुद श्रीजी महाराज ने आपसे ये कहा कि वो दूधपाक खत्म कर देंगे, तो आपने उन्हीं के सामने उनसे ये कहा कि वो नहीं खुटेगा? हाँ हाँ नहीं खुटेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने स्वामीनारायण भगवान पर। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पशुधन ज्यादा है, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस दूधपाक के बर्तन को स्वयं प्रभु श्री छू ले और उसमें से दूधपाक खत्म हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रभु श्री पर। जय स्वामीनारायण। हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया, हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया, हे भरी मोती रे थाल वधाविया जी, हे भरी मोती रे थाल वधाविया जी, आज प्रीतम घेर आविया, हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया। हे पहला नीरे ऊने नवराविया, हाँ रे पहला नीरे ऊने नवराविया, पची प्रीतम माई पधराविया जी, हे पचे प्रीतम माई पधराविया जी, आज प्रीतम घेर आविया, हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया। हे मैं तो भोजन जमाड़ भात भात ना, हारे मैं तो भोजन जमाड़ भात
प्रभुश्री वाले आप प्यारे सुख बोलिए स्वामीनारायण भगवान की स्वामीनारायण भगवान की स्वामीनारायण भगवान की स्वामीनारायण भगवान काम घेर आविया आइए जतन भाई हम परोसते हैं जी प्रभुश जे पहलू पर ठूहा तू ते वेणे पड़ा हे तेलू पर ठूहा तू ते वेणे पड़ा हे वालो हे ते कारी ने मुझने मड़ा जी प्रीतम घेर आविया मारे मारे आज प्रीतम घेर आविया लाइए अब दूध पाक लाइए हे वालो ब्रह्मानंद कहे आज निधन्य घड़ी ब्रह्मानंद ए मारो वालो जी पधारिया से जड़ी जी ए मारो वालो जी पधारिया से जड़ी जी रे आज प्रीतम घेर आविया हारे मारे आज प्रीतम देखा मैं ना कहती थी अभी दूध पाक खत्म हो जाएगा लाइए अब और दूध पाक लाइए मारे आज प्रीतम घेर आविया हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया हे भरी मोती रे थाल वधाविया जी हे भरी मोती रे थाल वधाविया जी आज प्रीतम घेर आविया अरे प्रभु श्री तो सबको खिला भी रहे हैं और साथ में नीचे भी गिरा रहे हैं ए पहला नीरे उने नवराविया थोड़ा और दूध पाक लाइए जतनदा जी प्रभुश हे पछे प्रीतम माई बजराविया जी आज प्रीतम घेर आविया हारे मारे आज प्रीतम घेर आविया लीजिए प्रभुश मैं तो भोजन जमाड़ा भात भात ना हाँ रे मैं तो भोजन जमाड़ा भात भात ना हे वाले भुक्तानंद जी मुझे प्रभु की लीला कुछ समझ में नहीं आ रही है ब्रह्मानंद जी जी आगे आगे देखिए प्रभु जी क्या क्या लीलाएं दिखाते हैं आज प्रीतम घेर आविया मारे मारे आज प्रीतम घेर आविया जतनबा को अवश्य शिक्षा मिलेगी जतनबा और दूध पाक लाइए लगता है प्रभु हमारी भावना की कसौटी कर रहे हैं तो ठीक ही है ना प्रभु अगर हमारे भावनाओं की कसौटी ले रहे हैं तो वो ही हमें पार उतारेंगे वो भक्तों को ज्यादा शर्मिंदा होने नहीं देंगे आप लोग और दूध पाक लेंगे ना नहीं 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 प्रभु जी नहीं नहीं बस 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 प्रभु जी बिल्कुल नहीं प्रभु जी बहुत नहीं
लीजिए प्रभुश्री, दूधपा का भी खत्म नहीं हुआ। बात तो सच है जतन बा, सब लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। प्रभुश्री, आपने 3 बार दूधपाक मांगा और हमने आपको दूधपाक 3 बार दिया, इसलिए आप शर्त हार गए और शर्त के अनुसार आपको शिक्षा भुगतनी होगी। ठीक है जतनबा, शर्त तो हम हार गए हैं, आप जो भी हमें शिक्षा देना चाहती हैं दीजिए। प्रभुश्री, एक भक्त भगवान को क्या शिक्षा देगी, लेकिन शर्त तो शर्त है, इसलिए आपको ये 5 से दूधपाक का त्रासक पूरा पीना होगा। अच्छा लाइए। भोजन जमाड़ा भात भात ना, हाँ रे मैं तो भोजन जमाड़ा भात भात ना, हे वाले आप प्याते सुख ए कांतना जी, हे वाले आप प्याते सुख ए कांतना जी रे, आज प्रीतम घेर आविया, मनुष्य पूजा पाठ इत्यादि करता है ईश्वर से कुछ पाने के लिए, वो हमेशा पूजा पाठ ईश्वर से कुछ पाने के लिए ही करता है। वो सोचता है अपनी मनोकामना पूर्ण होने में ही उसका भला है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं जानता कि उसका भला किसमें है, कहां है, उसका कल्याण कैसा है, ये तो केवल ईश्वर ही जानता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा चाहिए कि वो ईश्वर पर भरोसा रखे। जमो जमो ने मारा, जमो 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 ने मारा करिया, हरी बर मारे हाथ जमाड़ू, हरी बर मारे हाथ जमाड़ू, सुंदर लाड़ू सा करिया, झमो झमो ने मारा करिया तमे, झमो झमो ने मारा ओ तमे, झमो झमो ने मारा की में सुबह घेवरिया, पेड़ा बर्फी खाजा जलेबी, मर की में सुबह घेवरिया, शिरोपुरी कंसार हरी सो, शिरोपुरी कंसार हरी सो, बिरंज जमो काना के सरिया तमे, झमो झमो ने मारा हा करिया, बिरंज जमो। प्रेम से भोजन कीजिए प्रभु श्री, प्रेम से भोजन कीजिए। झमो झमो ने मारा हा करिया तमे, झमो झमो ने। Thank you.
दिया बड़ा तड़ा छे पापर मिठू जीरू नाखी ने मरिया भजिया बड़ा तड़ा छे पापर मिठू जीरू नाखी ने मरिया शाक पाक सू दरबर जम जो शाक पाक सुंदर बर जम जो राय तड़ा सुंदर दे थरिया तुम्हें झमो झमो ने मारा खाकरिया राय तड़ा सुंदर दे थरिया तुम्हें झमो झमो ने मारा खाकरिया तुम्हें जमो जमो ने मारा हाकरिया। प्रभु श्री तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। 15 दिन हो गए उनके यहां रुकने से। जो भी उन्हें मिलने आता है वो भी साथ में खाना खाने बैठ जाता है। और हां, कोठी में बाजरी भी खत्म होने आई है। हे भगवान, क्या किया जाए। क्या हुआ बापू, आपको कोई चिंता सता रही है? बेटा जतन, श्रीजी महाराज तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मेरी बात ध्यान से सुन। श्रीजी प्रभु यदि कहें कि मैं जाना चाहता हूं तो उन्हें रुक जाइए, एक दो दिन ठहर जाइए, ऐसा मत कहना। कहना कि जैसी आपकी प्रभु इच्छा, बाद में श्री जी प्रभु आना। और हां, अंदर कोठी में बाजरी भी खत्म होने को आई है। क्या हुआ जतनबा, क्या कह रहे थे आपके बापू? वो कुछ नहीं। हाँ, वो ये कह रहे थे कि स्वयं प्रभु श्री स्वामीनारायण हमारे घर पधारे हैं और घर को पावन कर दिया है। जिनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, ऐसे स्वामीनारायण अगर घर से जाने की बात करें तो उन्हें रोक लेना। और ये भी कहना कि घर में कोठी बाजरी से भरी पड़ी है। बस यही कह रहे थे बापूजी। अच्छा, ठीक है। वेणीदास भाई जी, कहिए प्रभु श्री। वेणीदास भाई जी, आपने जो जतनबा से कहा वो हमने सुन लिया है। आज के बाद कभी अपने मन में ये ख्याल मत लाइएगा कि बाजरी थोड़ी है। हम जिस घर का अन्न खा लेते हैं वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ती। हम जिस घर का पानी पी लेते हैं वहां स्वयं रद्दि स्थिति आकर बसती है। और जतनबा ने तो आपकी बेटी होने का फर्ज निभाया है, आपने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। ये तो मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा। जिस घर में जतनबा जैसी बेटी हो उस घर में भला अन्न कैसे खत्म हो सकता है? प्रभु श्री, स्वागत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। कैसी बात कर रही हो जतनबा, आपने तो हमारे लिए इतना कष्ट लिया। इसमें कष्ट कैसा प्रभु श्री, मैं जानती हूँ साक्षात प्रभु के लिए विदुर जी की भाजी हो, सुदामा के तांदुल हो, या शबरी के झूठे बेर हो, या लड्डू शीरा हो,
उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक समान होता है। प्रभु श्री तो भक्तभाव देखते हैं, भोजन की सामग्री नहीं। प्रभु श्री क्या हिसाब लगाते हैं, भोजन की सामग्री देखते हैं और कम अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री, मुझसे जितना बन पड़ा है मैंने उतना किया है, इसमें कष्ट कैसा? एक सवाल पूछूं जतन बा? जी कहिए। आपका ये भाव हर भूखे के लिए है या केवल हमारे लिए? मैंने तो सुना है प्रभु श्री कि आप प्राणी मात्र में विराजमान हो। जब कभी किसी को भूख लगती है तो मैं खिलाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है वो आप तक पहुँचता है, मेरे प्रभु तक पहुँचता है। भूख मिटती है और उसके मुँह से आशीर्वाद निकलता है, यही मेरे लिए आपकी कृपा है। आपका मेरे आंगन में पधारना हुआ, मेरा आंगन धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। एक काम करना जतनबा, अन्न भरी कोठी का मुंह हमेशा बंद रखना, कोठी में जो छोटी सी खिड़की है वहीं से अन्न बाहर निकालना, कोठी कभी खाली नहीं होगी। अकाल के समय सबको खिलाती रहना, कोठी का मुंह बंद होगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। प्रभु जी, ये सब आपकी लीला है। कैसी लीला ब्रह्मानंद जी? भूखों तक भोजन पहुंचाने के लिए कि आपने पिता और पुत्री को चुना था, क्या ये आपकी लीला नहीं थी? आप ही ने उन दोनों की कसौटी भी की और आप ही ने उन दोनों को पार उतारा, क्या ये भी आपकी लीला नहीं थी? कुछ भी हो ब्रह्मानंद जी, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पिता और पुत्री दोनों में ही खिलाकर खाने की भावना है, दोनों ही दयालु हैं। आसपास के गांव में अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। बापू। बोलो बेटा। बापू, आपको प्रभु श्री का आशीर्वाद तो याद है ना? हाँ। प्रभु श्री ने कहा था कि तुम्हारे घर की कोठी हमेशा बाजरी से भरी पड़ी रहेगी। क्यों याद नहीं होगा बेटा? बापू, क्यों ना हम अपने ही घर में अन्न क्षेत्र खोल दे और भूखों को भोजन कराए। अकाल में कितने ही लोग भूखे होंगे, उन सबको भोजन कराए। जब प्रभु श्री का आशीर्वाद है हम पर तो हम क्यों डरे? हाँ बेटा, हम आज से ही अन्न क्षेत्र का प्रारंभ कर देते हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण हमेशा हमारे साथ रहना। झमो ने मारा आ करिया,
बिरंज जमो काना के सरिया तमे झमो झमो ने मारा खा करिया तमे झमो झमो ने कुछ मत बोलो, जो मैं बोलूं उसमें हाँ या ना बोलो। हाँ। अपने इलाके में कितना वक्त से दुकाल है। हाँ। अपने गांव की जतनबा अकेले इस दुकाल का सामना कर रही है। हाँ। भूखों को खावा खिला रही है। हाँ। किसी एक को नहीं, सबको, सबको, गरीब हो या पैसे वाला, ऊंच हो या नीच, उसके भोजन में कोई भेद नहीं है। चारों ओर उसकी वाह वाह हो रही है। अपनी नाक कट रही है, थोड़ी बाकी है, पूंछ जिटली, अपनी आबरू के चितड़े उड़ रहे हैं, समझे आप? बहुत अपनी आबरू तक आई है और आप हाँ हाँ कर रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो, कब से हाँ हाँ कर रहे थे, अब बोलती क्यों बंद हो गई? जीभ से नहीं मगज चलाइए, विचारिए, इतना सारा अनाज जतनबाग कहां से लाती है? उसकी कोठी कभी खलास क्यों नहीं होती? जो वो कोठी अपने पास आ जाए तो। और जतनबाग कोठी मांगवाती देने वाली नहीं है, आपने आज रात को ही चुपचाप अपनी आबरू बचाने के लिए से कितने भूख लगी है, खाना क्यों नहीं आया? हाँ, खाना कहाँ है? बहुत भूख लगी है, खाना क्यों नहीं आ रहा? खाना खाओ, बहुत भूख लगी है। प्रभु, अब मैं आपको क्या बताऊं? ये सब आप ही की लीला है, आप ही इस लीला के मुख्य पात्र हो। कोठी में से अन्न कभी खत्म नहीं होगा, यही आशीर्वाद दिया था ना आपने, और इसी के जोर पर मैं अकाल का सामना कर रही थी। लेकिन अभी
अभी तो अक्षय पात्र ही यहाँ पर नहीं है, सारे लोग भूखे बैठे बाहर। क्या मैं उन लोगों से ये कह दूं? क्या भूखे लौट जाऊं? नहीं प्रभु श्री, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? अब आप ही बताएं प्रभु श्री, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बेटी बाहर लोग आवाज दे रहे हैं। बेटी क्या बात है? बाबू बाजरे की कोठी नहीं है, अब हम लोगों को क्या खिलाएंगे? प्रभु भगवान स्वामी नारायण हमारी कौन सी कसौटी कर रहे हैं? प्रभु क्या हम लोगों को ये कह देंगे कि आप भूखे ही लौट जाओ? भोजन नहीं आया अब तक। चिंता ना करो, तुम सबको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से भूखों को जमाने की जवाबदारी हमारी। अरे मेरे मुंह के सामने ताक क्या रहे हो? जतन बा ने जो बन पड़े वो सब किया है, अब इनके कोठी में अन्न का एक दाना भी नहीं रहा, पर मेरी कोठी में अन्न है। आ जाओ मेरे घर, आज से तुम सबका भोजन मेरे घर रहेगा। आ जाइए, चलिए मेरे साथ। चलो चलो, खाना मिलेगा, चलो 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 भैया, जोरों की भूख लगी है। बस प्रभु, ये तो खुशी की बात है प्रभु कि उनको खाना वहां से मिलेगा। वो आंगन भी तो आप ही का है ना प्रभु। जय स्वामीनारायण। बड़े जोर की भूख लगी है, पेट भर खाना मिलेगा। कितना भूखा मार दिया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप सबके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चलिए। क्या बात है? अरे पता नहीं क्यों, ये तो बोले थे भोजन नहीं। अरे कोठी खाली है, है? कोठी खाली है, ये कैसे हो सकता है? क्या कोठी खाली है? कोठी खाली है? अरे भाई खाना कैसे मिलेगा? आए हुए भूखों को मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि अन्न नहीं है। भूख लगी है, खाना कैसे मिलेगा? कोठी खाली है। चलो चलो, यहाँ खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, रुकिए, चलो चलो रुक जाओ, चलो चलिए भाइयों, सुनिए मेरी बात। हम सब तो तुम्हारे ही भरोसे हैं जतन बा। क्या हम सबको भूखा रहना पड़ेगा और इन बच्चों को भी? नहीं। थोड़ा थोड़ा दे दो, इन बच्चों को दे दो, हम सब तो सह लेंगे, पर ये बच्चे। हाँ। कुछ खाने के लिए दे दो जतन बा। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मेहमानों को भूख के लिए याचना करनी पड़ेगी? ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? अब आप ही बताओ मुझे। जतन बा, जतन बा, जतन बा मेरा नाम नारायण है,
मैं पास के गांव का रहने वाला हूं, अनाज का व्यापारी हूं। जतनबा, मैंने बहुत सारा अनाज अपने गोदाम में जमा कर रखा था। अकाल का लाभ उठाकर उसे दुगने दामों में बेच रहा था। वहां मैंने आपके बारे में सुना। आप अकेले ही अकाल का सामना कर रही हैं, अकेले ही अकाल से जूझ रही हैं, इन भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा रही हैं, पहले इन्हें खिलाती हैं, बाद में खुद खाती हैं। जतनबा, जतनबा, मुझे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई जतनबा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अपना धर्म बेचकर धंधा कर रहा हूँ। नहीं जतनबा, नहीं जतनबा, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दीजिए। जतनबा, प्रायश्चित करने दीजिए। बाहर बाहर अनाज से भरी हुई गाड़ियां हैं जतनबा, अनाज अनाज उतनवा लीजिए जतनबा। तब तक कुछ दिन अवश्य निकल जाएंगे और अकाल तब तक चला भी जाएगा, है ना जतनबा? अरे आप देख क्या रहे हैं, अनाज उतरवाने में मेरी मदद कीजिए। सारा का सारा अनाज उतरवा कर कोठार में जमा करवा देते हैं। आइए आइए। मैं सोच रहा था, हमने पीपा की चोरी नहीं की थी, हमने तो जतनबा की वाह वाह हो रही थी उसकी चोरी की थी, और उसकी वाह वाह हम हमारे नाम पर करना चाहते थे। हाँ, हमारे मन में किसी की भलाई के लिए कोई भावना नहीं थी, खाली स्वार्थ था। फिर क्या मिला ऐसा करके, कोठी खाली हो गई, अन्न का एक दाना भी नहीं निकला, निकली तो जग हंसाई। हाँ, हम तो अपनी किस्मत पे रोते हैं। हाँ, इससे तो हम एक सबक सीखने को मिला कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, चोरी करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, और एक बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आसपास के कोई भी गांव में नारायण नाम का व्यापारी नहीं है, तो वो नारायण कौन था जो जतनबा के घर बैलगाड़ियां भर के अनाज लाया था? कौन था वो? खिलाने वाले तुम, और निमित्त बनाए मुझे। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आप। क्या सेठ, आप भी उस बुढ़िया को तो रोज देते हो और मुझे कुछ नहीं देते। तुम तो हट्टे कट्टे हो भाई, मेहनत की खा सकते हो, फिर भीख के टुकड़ों से अपना और परिवार वालों का पेट क्या पालना। इन जैसे अपाहिज और वृद्धों को पालना समाज का उत्तरदायित्व तो है, और तुम्हारे जैसे हैं समाज का बोझ। देखा, ये जवेर भगत है, सौ चूहे मार चुका है, सौ चूहे। और अब पर काका, जवेर भगत ने ऐसा किया क्या? अरे क्या नहीं किया है। हाँ, ये जवेर भगत इस गांव का उतार था, उतार दादा। दिन भर लड़ाई झगड़े करना, जुआ खेलना, शराब पीना, और गांव में गांव की बहू बेटियों को छेड़ना, ये तो इसका रोज का धंधा था। सुनो, कुछ साल पहले की बात है, ये जवेर भगत। अच्छा, तो लगी शर्त?
हाँ हाँ लगी। पांच पांच की। हाँ ठीक है। अगर क्या अगर अगर तू हारा तो पांच रोकड़े देने पड़ेंगे और साथ में कल हम सबको दारू भी पिलानी पड़ेगी, समझा? हाँ? और भजिए भी खिलाने पड़ेंगे साथ में। हाँ पहले जीत के तो दिखा। ठीक है तो बता। देख वो लड़कियां आ रही हैं पानी भर लिए, बता किसको छेड़ना है? कुछ काम नहीं है क्या? उसको उसको ठीक है रहने भी दो। अच्छा सोच ले, बड़े घर की बेटी है, मालदारी की लड़की है, दो दो जवान भाइयों की बहन है, चुप नहीं रहेगी। अपने घर वालों को बता दिया तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे हट, मर्द को मौत का डर नहीं होता, समझे? सुंदर लग रही है तू, वाह वाह वाह। अरे वाह वाह। चलो हाँ चलो यहाँ से। अबे ए, निकाल पांच और कल दारू और भजिया लेकर आना, समझा? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर कल तक कुछ नहीं हुआ तो। कल तक? क्या होगा कल तक? हाँ क्या होगा कल तक? सुना भाई, भाई भाई क्या हुआ? क्या हुआ सुना? भैया ये हुआ है। हा, हा, ये चूड़िया? हाँ हाँ तुम दोनों भाइयों के लिए। सुना रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी ये बहना तुम्हारी कलाई पर राखी नहीं बांधेगी, चूड़ियां पहनाएगी, चूड़ियां। और उस दिन किसी भी मर्द की कलाई पर राखी नहीं होगी, चूड़ियां होगी, चूड़ियां। गांव की सभी लड़कियों ने मिलकर ये तय किया है। पहेलियां मत बुझाओ, बात क्या है ये बताओ। सुनोगे सुन पाओगे तो सुनो। ये हुआ है, सुना तुमने? सुन लिया तुम लोगों ने? गांव में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है, उस झवेर के डर से कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना नहीं चाहता। गांव के सारे मर्द शर्म से अपने सर झुकाकर उस झवेर के दुराचार को देख रहे हैं। किसी में कुछ कहने की करने की हिम्मत ही नहीं है। जवेर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो 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 चलो।
अरे लगा 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 जल्दी लगा जल्दी 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 लगा अरे लगा ना उठा 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 हाँ लगा लगा जा जा चलो चलो अरे चलो मेरे साथ ये रहा नालायक देख क्या रहे हो आज तो इसकी हड्डी पसलियां तोड़ डालते हैं ताकि फिर कभी गांव की माँ बहन को छेड़ ना सके मारो मारो इसे नहीं 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 हाथ जोड़ती हूँ छोड़ दो मेरे जमीर को छोड़ दो मैं आप सबको वचन देती हूँ मेरा जमीर अब ऐसा नहीं करेगा नहीं करेगा मैं इसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी कमरे में बंद कर दूंगी ताला लगा दूंगी माफ कर दो इसे माफ कर दो सुन जवेर आज तो तेरी माँ ने तुझे बचा लिया आइंदा ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फिर तेरी माँ तो क्या भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा चलो 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 चल चल तू मेरे साथ बैठ मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी कान पक गए हैं मेरे तेरी फरियादें सुन सुनकर अरे बेटे की जगह पत्थर जना होता ना तू गले में बांध कर कुएं में कूद जाती न चैन से जीता है न माँ को जीने देता है आज आज से तेरा घर से निकलना ही बंद नहीं नहीं, तू सुधरने वाला नहीं है तू अगर इस गांव में रहेगा ना तो तेरी माँ को गांव के लोग धक्के मार के बाहर निकाल देंगे आज आज ही तेरे मामा को बुलाती हूँ वो ले जाएगा तुझे वो ले जाएगा तुझे अपने साथ अपने गांव Swami Narayan, Swami Narayan.